यार ये कैसा गलती है मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। ये प्लम्बर का गलती है या फिर कंपनी का गलती है आप भी समझ कर नहीं पाओगे। और सबसे बड़ी बात है ये जो आपका टैंक देख रहे हो ना फ्लास वाला कॉलर का है, अब ये चीज जो है हम भी खुद लगाए नहीं है, कंसील फिटिंग खुद हाथ से नहीं किए है। अब इसका प्रॉब्लम क्या है मालूम है? चलिए हम आपको दिखाते हैं। ऐसे नहीं है ये उल्टा लगा है, ये सीधा ही लगा है, लेकिन सीधा लगने के बावजूद जो है ना इसका प्लेट जो है वो फिटिंग नहीं हो रहा है। प्लेट किधर गया? ये है देख लीजिए, ठीक है, ये प्लेट जो है हमारा फिटिंग नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम क्या हो रहा है? चलिए ये सिस्टम में है ना, अब यहाँ पर प्लेट किस तरीके से रहेगा ये देख लीजिए। इसका कॉलर किधर लिखा हुआ है? ऊपर है, देख लीजिए ये कॉलर है। अब ये इस तरीके से रहेगा, लेकिन इस तरीके से रहने के बावजूद क्या हो रहा है? सेटिंग नहीं हो रहा है। ये मैं निकाल रहा हूँ किसो इस लॉक को, ठीक है, इस लॉक में यहाँ लगाने जा रहा हूँ, देख लीजिए नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? ये आप देख रहे हो यहाँ स्क्रू लगने वाला है, और स्क्रू कितना ऊपर है, पूरा कॉर्नर में है। ये देखिए कहाँ आ रहा है, मैं इससे कॉर्नर में इस तरीके से बैठाता हूँ, आप ये स्क्रू का सिस्टम कहाँ आ रहा है और ये स्क्रू का ड्रिल किधर है, किस तरीके से रहेगा। आप नीचे भी देख लीजिए, नीचे का सिस्टम यहाँ पर ये सिस्टम में स्क्रू कॉर्नर में आ रहा है, ओके, लेकिन इसका ड्रिल किधर है, सॉरी ड्रिल बोल रहा हूँ, जो भी हो यहाँ पर स्क्रू लॉक जो है वो किधर है, यहाँ पर देख लीजिए इतना ऊपर है। तो ये सिस्टम अभी कैसे करेंगे? ये जो है हमारा क्या प्रॉब्लम है, इसमें शायद प्लम्बर इसमें एक सिस्टम आता है, मैं समझे, ये जो आप देख रहे हो ना ये सिस्टम, बहुत सारा कंसील सिस्टम, जैसे कि कंसील सिस्टम होता है उसमें ये वाला सिस्टम जो है लूच आता है, यही वाला, लेकिन इसमें जो है ये लूच नहीं है, ये बिल्कुल आपका टैंक के साथ फिटिंग है मुझे ऐसा लग रहा है। या फिर ये भी हो सकता है इसे पलटी करके लगा दिया गया है, ये सिस्टम को अगर प्लम्बर पलटी करके लगाया है तो प्लम्बर का गलती है। अगर कंपनी के साथ ये पूरा फुल सेट आता है तो ये बहुत बड़ा गलती है एक कंपनी वाले का, जो बहुत मतलब टाइल्स तोड़ना पड़ेगा, समझ लीजिए अगर इसका जुगाड़ हम नहीं लगाएंगे टाइल्स तोड़ना ही पड़ेगा, इसका और दूसरा कोई रास्ता नहीं है, ये ऐसा सिस्टम हो चुका है। अब जो है इसे कटिंग करना पड़ेगा, हमें इसे भी कटिंग करना पड़ेगा और इसे भी कटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों कटिंग नहीं करेंगे तो ये फिट भी नहीं हो पाएगा। अब इसे हम असलियत में कैसे पता करेंगे किसका गलती है? देखिए पता तभी हो पाएगा जब मेरे पास ये वाला ओपन टैंक आएगा ना, तब मैं समझ जाऊंगा किसका गलती है, प्लम्बर का की और किसी का। जहां तक कि हमारा आदमी ने ही काम किया है इसका, अब उसने बोला है जैसे कंपनी का सेट आया था मैं कुछ खोला नहीं हूँ, वैसे ही डायरेक्टली फिट कर दिया। अब जो भी हो, लेकिन अगर डायरेक्टली फिट कर दिया है तो प्लम्बर का भी एक गलती हो भी सकता है, नहीं भी, क्यों, क्योंकि प्लम्बर को ये प्लेट जो है, ये आपका प्लेट है, ये प्लेट आपको मिला नहीं है पहले, अगर पहले प्लेट मिल जाता तो प्लम्बर ये वाला चेक कर लेता कि ये वाला सेटिंग मेरा गलत तो नहीं है, मतलब ये पलटी तो नहीं लग गया कंपनी की तरफ से। मुझे ऐसा लग रहा है कंपनी की तरफ से ही ज़्यादा ये है। अब देखिए ये फ्रेम जो है हम ऐसे उल्टा भी लगा सकते हैं, लेकिन उल्टा लगाने से क्या होएगा मालूम है, हमारा प्लेट को भी जो है, ये प्लेट को हमारा उल्टा लगाना पड़ेगा इस तरीके से, तो यहाँ तो लगा दूंगा, लेकिन ये चीज़ जो है आपका यहाँ पे फ्लास पे ये वाला टच कर रहा है तो ये दीवार में चिपक के नहीं बैठ रहा है, तो मुझे ये सीधा ही लगाना पड़ेगा। अब सीधा लगाएंगे जब, हमें दो तीन सिस्टम का आइडिया आया है, एक हम लंबा स्क्रू डायरेक्ट मार सकते हैं, मतलब यहाँ से हम डायरेक्ट स्क्रू मार के अंदर ले सकते हैं इस फ्रेम को सीधा लगा के, और इसे पहले हमें कट करना पड़ेगा। सबसे पहले ये दोनों को हम कट कर लेते हैं पूरा चिपका के, देखिए ये कट हो चुका है बिल्कुल। आप ऊपर की साइड जो है मुझे ये भी बिल्कुल वैसे ही लेवल से कट करना पड़ेगा। अब देखिए बिल्कुल पूरा कट चुका है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए ये जो है बिल्कुल हमारा अभी सेट हो जा रहा है, ठीक है, ये हमें और किसी तरीके से परेशानी नहीं दे रहा है, सभी जगह में चिपक जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये जो दो रखे है कटिंग करके, इसे हमें फेंकना नहीं पड़ेगा, इसे हमें यहाँ पर चढ़ा देना पड़ेगा, ठीक है, इसे इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर जो भी स्क्रू आता है इसके साथ में उसे हम यहाँ टाइट कर देंगे पहले से। अब ये जो है हमारा कंप्लीट, इसे हम क्या करेंगे इस तरीके से यहाँ रख देंगे, ठीक है। अब इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है, है लेकिन पहले यही ट्राई करते हैं, इसमें स्ट्रॉन्ग हो गया तो बल्ले बल्ले, अब नहीं हुआ तो फिर दूसरा रास्ता है एक, वो दिखाएंगे। पहले हमें फ्रेम को स्ट्रेट कर लेना पड़ेगा और स्ट्रॉन्ग तरीके से रख देना पड़ेगा, मतलब परेशानी ना हो। उसके बाद आपको फेविक्विक लेना है, मतलब 10 रुपये वाला दो लेके आ जाइए, आपका काम हो जाएगा। और पाइप का जो है ना पाउडर बना लेना है,
मतलब कोई भी पाइप जो है कटिंग करो, उसका जो रप रप धूल जैसे निकलता है ना, उसे आपको लेना है। तो वही चीज़ है मेरा, SWR PVC पाइप था, उसे कट कट करके पाउडर बना लिया। अब फेविक्विक उसी एंगल में लगा रहा हूँ जहाँ पर मेरा स्क्रू लगने वाला था। अब ये जो है काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये एक आई फ्लास है। आप इसे कोई टानना ये करना नहीं है, सिर्फ प्रेस करना है, पुश करो, खुश रहो, उस तरीके से काम है इसका। अब दोनों साइड ये करके ट्राई करते हैं, अगर स्ट्रांग हो गया तो अपर प्लेट लगा देता हूँ, और जहाँ तक लग रहा है मुझे स्ट्रांग हो जाएगा। बाकी ये जो गलती है ना, ये कोई छोटा मोटा गलती नहीं है, काफ़ी बड़ा गलती है। हमें ऐसा लग रहा है यार सॉल्व हो गया मतलब गलती छोटा है, नहीं, ये सॉल्व तो हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, एडजस्ट जुगाड़ सब कुछ हो जाता है। बट ये सिस्टम एक ऐसा है, ये टैंक के साथ ये जो सेटिंग आता है ये क्यों अलग से हो गया? आप ये वाला ओपन वाला टैंक मुझे ज़रूर देखना है, आई फ्लास है ये, उसे देखना ज़रूर पड़ेगा। अब देखने के बाद मुझे समझ में आएगा कि इसमें क्या फॉल्ट है, क्या गलती है और किसका। अगर मैं समझूंगा हाँ, उसका वीडियो ज़रूर बनाऊंगा और देखिएगा। अब जो है ये बिल्कुल स्ट्रांग हो गया, फिर भी कोई झटपट होता है, ये होता है। अब लॉन्ग टाइम कितना चलेगा वो हमें पता नहीं है, चलेगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये जो प्लेट है सिर्फ मुझे क्या करना है, पुश करना है ना पानी निकलने के लिए, और तो कुछ इसमें लफड़ा ही नहीं करना है, बाकी स्ट्रेट लगा है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया, तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलने की कोशिश करूँगा आप लोगों के साथ।